लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। तेलंगाना के हैदराबाद विधानसभा 2018 के चुनाव 7 दिसंबर को हैदराबाद में संपन्न हुए। मतदान केंद्रों पर मतदाता लंबी लाइनों में खड़े रहकर वोट डालने का इंतजार करते दिखे, तो कई मतदाता वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण बिना वोट डाले ही निराश होकर वापस लौटते नजर आए। कई मतदाता वोट लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से पोलिंग बूथों पर इधर उधर फिरते रहे और परेशान नजर आए। वोटर कार्ड बनने के बाद भी वोट डालने के अधिकार से वंचित हुए लोगों ने निर्वाचन आयोग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। विवेक वर्धानी कॉलेज मतदान केंद्र के पास मताधिकारी से वंचित मतदाताओं की भीड़ ने हंगामा कर दिया। गोशा महल विधानसभा क्षेत्र में जामबाग, बेगम बाजार, महाराजगंज, मंगलहाट इत्यादि कई जगहों के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने की वजह से मतदाताओं को बिना वोट डाले ही वापस घर लौटना पड़ा। चुनाव मतदान के मद्देनजर शहर में वाहनों की चेकिंग का सिलसिला भी नजर आया। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए और सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा। गोशा महल में, बेगम बाजार में, पत्र मस्जिद, बिजली फंक्शन हॉल, यहाँ पे पूरा परिवड़ा चल रहा है। पूरी पब्लिक परेशान है, किसी का भी वोट नहीं लग रहा है। जिसका वोट घर में से 10 वोट है उसमें 2 वोट लग रहे हैं, 8 वोट नहीं लग रहे हैं, किसी का भी नाम नहीं है और ज्यादा मामा बोल रहे हैं, पुलिस आ रही है और हमारे ऊपर लाठीचार्ज। तेलंगाना के हैदराबाद से वसंत कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज में नागरिक सुरक्षा कोर के 56वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी नियंत्रक सिविल डिफेंस श्री सुहास LYG ने ध्वजारोहण कर जन जागृति रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। NDRF द्वारा प्रशिक्षण वार्डर्स को टेक सूट व प्रशंसा पत्र भी वितरित किया। उक्त उद्गार जिलाधिकारी सुहास LY ने व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डिप्टी कंट्रोलर श्रीमती अनुराधा सिंह ने निदेशालय लखनऊ द्वारा प्राप्त संदेश पढ़ा और सिविल डिफेंस की स्थापना कर विस्तार पूर्वक बताया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से विनय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मामला रामपुर के थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां आधी रात को आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारी के यहां धावा बोलकर दंपति को तमंचे के बल पर दंपति को बंधक बनाकर लॉकर में रखी नकदी 3,80,000 और 15 तोला सोना और 250 ग्राम चांदी के आभूषण ले गए और बदमाश दीवार फांदकर भाग गए। बदमाशों के भागने के बाद दंपति ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर CO स्वार राहुल कुमार और कोतवाल जीत सिंह मौके पर पहुंचकर घटना की पड़ताल की। वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस बदमाशों के आगे नाकाम से दिख रही है। अब देखना यह कि पुलिस इस घटना का खुलासा कितनी जल्दी कर सकती है। कोई सूत्र हमारे हाथ नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि इस घटना का अनावरण हो और मालिक की बरामद भी हो, मुलजिम पकड़े जाए। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला कोतवाली चंदोसी इलाके के कैंथल गांव का है, जहां काफी समय से एक साबुन की फैक्ट्री संचालित बताया जा रहा है। फैक्ट्री में एक कैंटर आया जिसमें कोई अवैध पदार्थ भरा हुआ था। जानकारी मिल रही है कि टैंकर में काफी खोलता हुआ पदार्थ भरा हुआ था, जिस कारण टैंकर फटने से फैक्ट्री में भारी धमाका हो गया और टैंकर में आग लग गई। आनंद फानन में फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों ने आग पर काबू पाया, जिसमें आग की चपेट में आने से 2 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। दोनों झुलसे मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सरकारी नुमाइंदा व कारनामा देखिए, फैक्ट्री में पहुंची खाद्य विभाग की टीम बिना किसी सैंपल और जांच पड़ताल किए ही वहां से वापस लौट गई। SDM साहब को भी वहां से बहुत जल्दी भागना पड़ा, लेकिन जब मीडिया ने वहां पर मौजूद अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही, लेकिन जिस तरह से बिना कुछ कार्रवाई और सैंपलिंग की फैक्ट्री से वापस लौट जाना सरकारी नुमाइंदों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है।
फिलहाल घटना के बाद फैक्ट्री संचालक मौके से फरार है। क्या पूरा मामला जांच की जा रही है, उसका जिस तेल के लिए बता रहे हैं उसका सैंपल लिया जा रहा है, जांच की जा रही है। तो क्या कर रहे थे जो ट्रक में आग लग गई? तेल का क्या बनता है उसमें? उसे क्या साबुन। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। बहराइच के थाना केसरगंज अंतर्गत ग्राम बदरोली बजरे के पिपराहा पुरवा में दबंगों ने गरीब परिवार के ऊपर ढाया कहर और उजाड़ फेंकी गृहस्थी। पीड़ित परिवार खुले आम आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। सुबह से शाम हो गए थाने के चक्कर लगाते हुए, लेकिन केसरगंज पुलिस ने एक नहीं सुनी। एक तरफ उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ रहते हैं गरीबों को लेकर चिंतित, वहीं दूसरी तरफ दबंगों द्वारा गरीब परिवार पर ढाया जा रहा है जुल्म और पुलिस बन रही है अनजान, दबंगों पर हो रही है मेहरबान। पीड़ित की माने तो सुबह के वक्त सोते समय दबंगों द्वारा 8 से 10 लोगों की तादाद में लाठी डंडों व असलाह से लैस होकर अचानक घर में घुसकर औरतें व बच्चों और घर में रह रही बूढ़ी माता को बेतहाशा मारने लगे और घर का सामान अचानक फेंकने लगे और घर में रखे जेवरात भी लूट ले गए। यहां तक कि घर में रखे पैसे भी लूट ले गए। अभी एक दिन पहले ही आवास योजना वाले पैसे निकाल कर लाए गए थे और सुबह ही दबंगों ने घर में उत्पात मचा दिया और कर दिया गरीब को घर से बेघर। पीड़ितों परिवार को पूछने का मौका तक नहीं दिया और थाना केसरगंज पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं की गई कोई कठोर कार्रवाई और ना ही अभी तक की गई किसी दबंगों की छानबीन। क्या घटना हुई यहाँ पे? मैं 4 बजे रात में आ रहा हूँ, कारे परमानंद लाठी से मारी नहीं। और अमरी तो रामचंद बिंद्रे परमानंद नान दाता राम रामजस करमचंद सभी। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। मुरादाबाद में 1 दिसंबर की सुबह थाना मुगलपुरा क्षेत्र में 2 बुजुर्गों महिलाओं की हत्या की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर हत्या के बाद लूटे गए सोने के जेवरात भी बरामद किए। एसएसपी मुरादाबाद के मुताबिक इस हत्याकांड के बाद भी वो जांच अभी तक बंद नहीं करा रहे हैं। महिलाओं का संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा था और अभी एक अभियुक्त फरार है, उसके पकड़े जाने के बाद ही जांच समाप्त की जाएगी। वही हत्या व लूट के आरोप में पकड़े गए युवक ने बताया कि उनके साथी शलभ ने घटना को अंजाम दिया व घर में बहाने से दाखिल हुआ था और लूटपाट के दौरान महिलाओं की पहचान जाने की वजह से उनकी हत्या करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बंटी सक्सेना की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के नैनी के खरखोनी लोकपुर नैनी मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य का काम रुक जाने की वजह से ग्रामीण परेशान हुए। वहीं पर ग्रामीणों ने बताया कि जब से काम बंद हुआ है तब से हम लोग कीचड़ पानी में जूझ रहे हैं। यहां पर ना तो कोई अधिकारी आता है ना तो कोई सुनवाई हो रही है। साथ ही साथ खरखोनी के अधिवक्ताओं ने डीएम साहब से मिलकर उनकी समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया। इस मौके पर एडवोकेट रणविजय सिंह दब्बू, वरिष्ठ अधिवक्ता पद्मधर मिश्रा सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे। आज 1.5 महीने से पूरे क्षेत्र का कार्य खरखोनी का एकदम से रुका हुआ है। आप समझ लीजिए कि गड्ढे गड्ढे पानी भरे हैं, पूरे रोड पे पानी भरा है, पैदल आना जाना दुश्वार हो गया है। पूरा क्षेत्र बीमारी से पीड़ित है। समझ लीजिए लोग इतने बीमार हो रहे हैं, इतने वो हो रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सांस लेने के लिए एक भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं। आज हम सारे अधिवक्ताओं ने मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हम लोगों ने PWD को ज्ञापन दिया। PWD के जो अधिकारी थे उन्होंने AE अनिल सिंह को फ़ोन किया, फोन करके कार कराने का निर्देश दिया है, लेकिन देखते हैं कि कई दिन अनिल सिंह कार करते हैं। ये लगभग कितने दिन से समस्या चल रही है? अरे 4 महीने हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से विनय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मुमताज ज़वेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुमताज ज़वेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या आप हमारे वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।